بسم الله الرحمن الرحيم. हज़रो हॉस्पिटल पाकिस्तान के खूबसूरत शहर जिला अटक की तहसील हज़रो में वाके हज़रो हॉस्पिटल खिदमत खल्क की एक रोशन मिसाल। ये शानदार पुरवकार और जदीद सहूलियात से आरास्ता इमारत चंद साल पहले तक महज एक मामूली डिस्पेंसरी थी। गुर्बत पसमांदगी में डूबे लाखों बाशिंदों के लिए मामूली इलाज के लिए भी सैकड़ों मील का फासला तय करके बड़े शहरों का रुख करते जो गरीब आवाम के लिए मुमकिन ना था। हज़रों के आवाम की बेबसी और मुश्किलात को देखते हुए दर्द दिल रखने वाले चंद मुखय्यर हजरात ने हज़रों हस्पताल के क्याम का बेड़ा उठाया। मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब कर्नल रिटायर्ड शुजा इस बाबरकत मिशन की क्यादत कर रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं हज़रों अस्पताल में इस वक्त बैठा हूँ और ये मैसेज मैं हज़रों अस्पताल से अपने बहन भाइयों को, अपने सारे कंट्रीमन को इंग्लैंड में मैं ये मैसेज भिजवा रहा हूँ इस अपील से कि ये अस्पताल जो है ये हमने यहाँ पर आपकी आपके फंड से आपकी मदद से इसको हमने चलाना है। ये अस्पताल काफ़ी अर्सा पहले बना था लेकिन बिल्कुल ये इग्नोर रहा। यहाँ पर हमारी सेहत की सहूलतें जो हैं वो बिल्कुल मुयसर नहीं हैं। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर चले जाते हैं लेकिन जो गरीब आवाम हैं उनके बच्चे वो खुद जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस अस्पतालों में आते थे और यहाँ पर ना कोई इलाज होता था ना कोई दवाई होती थी। मैंने ये तहिया कर रखा था कि इस अस्पताल को मैंने एक अच्छा स्टैंडर्ड का अस्पताल बनाना है ताकि यहाँ पर गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए दवाइयाँ मुहैया हों, अच्छे डॉक्टर मौजूद हों, अच्छा इलाज हो और सारा जो है वो मुफ्त हो उनको। तो अल्लाह के करम करम से मैं अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ और मैं पूरी अपनी बिरादरी से जो इंग्लैंड में है या वो हांगकांग में है या वो यूएई में है, अमेरिका में है, उन सब से ये मैं अपील करूँगा और मैं खुद जाऊँगा, घर घर जाऊँगा फंड्स कलेक्ट करने के लिए ताकि इस अस्पताल का मयार जो है वो हम बुलंद से बुलंद रखें। महज दो साल की कलील मुद्दत में हज़रों हस्पताल की 83 किनाल पर मुश्तमिल पुरशिकवा इमारत वजूद में आ गई। हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात के तआवुन से बुनियादी शोभा जात कायम किए गए और जरूरी मशीनरी खरीदी गई। अब यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज और दवाएं फराहम की जा रही है। इसी सिलसिले में हज़रों हॉस्पिटल के MS ने तफसीलात बयान करते हुए कहा, यहाँ जो स्टाफ की तादाद है हमारे पास 13 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, जिसमें सिर्फ इस वक्त 2 फील्ड हैं, 11 पोस्टें हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं। मेडिकल ऑफिसर हमारे पास 14 हैं जो सारी फील्ड हैं। वुमेन मेडिकल ऑफिसर हमारे पास 4 हैं जो कि सारी फील्ड हैं। पैरामेडिक स्टाफ में 32 हमारे पास की टोटल हैं जिसमें 24 हमारे पास मौजूद हैं और बाकी वैकेंट हैं। डॉक्टर के एकोमोडेशन के स्पेशलिस्ट के ना होने की बड़ी वजह हमारे पास ये है कि हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है। टोटल हमारे पास गजेट 3 एकोमोडेशन हैं तो जो हमारे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। एकोमोडेशन हो गई तो फिर हमारे पास ये सीटें भी फिल्ड हो जाएंगी तो इसके बाद ये अस्पताल
हमारे तहसील में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतरीन अस्पताल हो जाएगा। इसकी अब भी हमारे पास जो ओपीडी है रोज़ाना पेशेंट की इधर आमद 350 के करीब है। इस अजीम मिशन से वाबस्ता बुजुर्ग सहाफी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, यहाँ पे इलाज मालजी की सहूलतें तो बिल्कुल ही नहीं थी, कतई तौर पर नहीं थी। एक असेबज़दा यहाँ पर हॉस्पिटल था जिसमें कोई मामूली किस्म की दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन इसके बाद कर्नल शुजा खानजादा जो रुकन सूबाई असम्बली हैं और वज़ीर आला के मशीर भी हैं, उनकी एफर्ट से, उनकी कोशिशों से यहाँ पर अब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो ज़ेर तामीर है। ख़ास तौर पर डॉक्टरों की रेजिडेंस का मसला जो है वो बड़े अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं होंगे हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो बड़े गयूर हैं, बहादुर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मुखय्यर हैं, साहिब सरवत हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड दें ताकि यह हॉस्पिटल जो है एक मिसाली हॉस्पिटल की सूरत में नजर आए। हजरों के आवाम के लिए ये अस्पताल एक नेमत से कम नहीं, लेकिन इस अजीम मंसूबे को चलाने और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए आपके तआवुन की जरूरत है। क्या खबर आपकी दी हुई छोटी सी रकम किसी बहन के भाई, बूढ़े माँ बाप के बेटे, किसी बेटी के सुहाग की जिंदगी बचाने में काम आ जाए और आखिरत में आपके निजात और बख्शिश का जरिया बन जाए।